हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और अपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई एमआर मैथमेटिक्स ग्रुप की सहायता से आसानी से कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स की 10th क्लास और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक रहेगा हमारा। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उनको ध्यान में दीजिए। देखिए जरा, हमने बताया था साइन थीटा इक्वल टू 1/ कोसिक थीटा, ऑल्सो कोसिक थीटा इक्वल टू 1/ साइन थीटा, एक दूसरे के इनवर्स रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार से कोस थीटा इक्वल टू 1/ सेक थीटा, एंड सेक थीटा होता है 1/ कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1/ कोट थीटा, एंड कोट थीटा होता है 1/ टेन थीटा। एक तो ये, अगले फार्मूला देखिए आप, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा 1/ कोस थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। कोट थीटा इसका उल्टा बताया हमने, कोस थीटा 1/ साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए हैं। इनके बाद में ये बेसिक फॉर्मूले सारे, अब देखिए जरा, साइन थीटा जो है इसको एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कैसे, अगर कोई इस प्रकार से है, 90 डिग्री में से थीटा घटा दिया, माइनस कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा के इक्वल। साइन का कोस हो जाएगा, इस 90 माइनस थीटा, थीटा जो है वो यहाँ लगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 90 तक। ठीक है, मोस्टली इसको बोलते हैं बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अगर 0 डिग्री लेंगे तो भी ये वैल्यू यूँ क्यों रहेगी, 90 डिग्री लेंगे तो भी वैल्यू आएगी, उनके लिए भी होगा ये, लेकिन मोस्टली बोलने में आता है बिटवीन थीटा जो है 0 और 90 तक लाई करता है, रहता है 0 और 90 के तक की वैल्यू इसकी होती है, इसके बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये वापस साइन बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा, और यदि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो इसकी वैल्यू आएगी, टेन का उल्टा क्या बताया हमने, टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये बन जाएगा कोशेक थीटा, कोशेक थीटा। ठीक है, और यदि कोशेक थीटा इस टाइप से आए, कोशेक 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। ये देखिए, ये हैं रेसिप्रोकल्स। इसके बाद में दो वैल्यू इम्पोर्टेंट जगह जगह यूज करनी पड़ेंगे आपको, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कॉट थीटा कोस अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में ये वैल्यूज, आज की एक्सरसाइज मुख्य रूप से इन वैल्यूज को हम प्रयोग करेंगे, ये इसलिए जरूरी है ये ध्यान में है, तभी इनको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे पहले जो वैल्यूज थी, जो ट्रेंगल के जो रेशियोज थे साइड्स के, उनके आधार पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, वो हमने आपको पहले बताया भी था। आज आप इन पर मुख्य ध्यान देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो उसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो इसकी जगह लिख देंगे साइन थीटा, जहां आवश्यकता है वैसे लिखते जाएंगे। टेन 90 माइनस थीटा लगेगा तो कॉट थीटा, या कॉट थीटा की वैल्यू रखनी हो हमने तो टेन की कॉट की जगह हम टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस की वैल्यू लिखनी है कॉस थीटा की वैल्यू तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसे कॉस ए दे दिया तो कॉस ए की जगह साइन 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं अपने सम को सोल्व करने के लिए, या साइन 90 डिग्री माइनस ए दे दिया उसकी जगह हम कॉस ए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सभी में लागू होगा। ठीक है, ए की जगह बी भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, कोई रियल नंबर भी आ सकता है, 1, 2, 3, 45, 30, 60, 67 एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है। उन सभी को हमने इस तरह से पुट करके और अपने सम्स को सोल्व करना है।
देख लीजिए इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72। साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री ये दिया है। इसको इवेल्युएट करने से वैल्यू निकालनी है हमने, कैसे निकालेंगे देखिए। अगर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अगर ये कुछ रेशियो पूछे हमें तो हम उस टेबल के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, या तो इनकी टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, या तो वो हमारे पास हो उसमें से फटाफट देख लेंगे साइन 18 की वैल्यू क्या है लिख देंगे, कोस 72 की वैल्यू क्या लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर वो टेबल भी नहीं है हमारे पास तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में हमने जो अभी बताया था आपको उन फॉर्मूलेज का प्रयोग करना पड़ेगा कि इनको 90 में से माइनस करके एंगल्स को और ऐसा बनाएं ताकि एक दूसरे से ये कट सकते हों, एलिमिनेट हो सकते हों, ठीक है, वैनिश करना है इनको। कैसे, साइन 18 डिग्री को हमने बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस 90 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये साइन 18 डिग्री इसको लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा साइन 18 डिग्री, ठीक है। नीचे है कोस 72 डिग्री, इसको हम रहने दीजिए, केवल इसके ऊपर विचार करते हैं। साइन 18 डिग्री को अगर हम कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास साइन 18 डिग्री, ठीक है। और यदि हम इसको यूं कर लें कि 90 डिग्री में से 18 को माइनस किया हमने तो बचता हमारे पास 72 डिग्री। समझाने के लिए सारी बात क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, 72 डिग्री बच गया। अगर हम नीचे तो कोस 72 डिग्री है यही ऊपर ले आए तो एक दूसरे से कट जाएंगे, सिंगल वन आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हो सकता हो तो कर सकते हैं हम, कैसे, एक तो ये बताया कि साइन 18 को ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा साइन 18 को लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो 90 में से बेहतर गए कितना बचेगा 18 बचेगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात कोस थीटा, थीटा क्या है 72 है, नीचे भी 72 है, कट जाएंगे ना, तो इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने दोनों बातें बताई, एक तो ये बताई है एक ये बताई है आपको, इन दोनों में से यहां पर कौन सा फार्मूला कारगर हुआ, क्या साइन 18 को कोस 18 लिखना, कोस 90 डिग्री माइनस 18 लिखना यहाँ पर हमारे सोल्व करते समय फायदा देगा, या इसको ये लिखना फायदा देगा, ये हमें प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। जब आप 5-10 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान रहेगा कि हमें यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये इसलिए बताना जरूरी था ताकि कोई गलती ना हो कि हम कौन सा लगाएं, कभी ये लगाएं गलत हो जाए, ये लगाएं गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। ये लगाओगे तो भी क्वेश्चन आएगा, फिर इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे, इसको ये बना करके लाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि स्टिक फार्मूला लग जाए जो इजी रहे, इजियर हमारे साथ में फार्मूला काम करे, उसको लेकर के आना, तो आई थिंक इट इज मच इजियर, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइन 18 के स्थान पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो 90 में से बेहतर गए 18, क्लियर, सीधा लिख दिया हमने 18 को इस रूप में लिख दिया, साइन का साइन ही रहने दिया अभी तक, अपॉन एज इट इज है कॉस 72 डिग्री, क्लियर। इसको दूसरे तरीके से फिर समझाऊंगा मैं एक बार, पहले से समझ लेते हैं। देखिए जरा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या 72 डिग्री। अभी साइन को नहीं लिखना साथ में, कभी ध्यान रहे, कभी इसको लिख दो, ये फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा केवल ये, क्लियर, अपॉन कोस 72 डिग्री, ये कट जाएंगे वन टाइम्स वन अपॉन वन टू वन, वन इज आंसर, आंसर आ गया,
एक तो ये है। दूसरा देखिए, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। हमने साइन 18 को एज इट इज लिख लिया, अब कोस 72 को इस रूप में लिख सकते हैं जैसे हमने इसको किया, 18 को 90 माइनस 72 कर दिया, इसी प्रकार से 72 को भी 90 माइनस 18 कर सकते हैं हम, ठीक है। कॉस का कॉस रहेगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा इक्वल टू साइन 18 डिग्री अपॉन, यहां हो जाएगा साइन थीटा क्या है 18, सेम आ गया, कट जाएगा वन, क्या आया वन आंसर। तो इस तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसके न्यूमरेटर को करें या डिनोमिनेटर को करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई से कर लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल हो, रूल से बाहर नहीं जाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चेक इट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का ही, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख, कोसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फ्रैक्शन में था, ये प्लस माइनस के साइन के साथ भी आ सकते हैं। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली जो एंगल्स दिए हुए हैं 31 59 उसमें था 18 72, इनका सम करके देखना 90 ही बनेगा, 18 और 72 90 था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए 31 और 59 ऐड करेंगे 90 डिग्री ही बन रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले लगाने ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट लेकर आते हैं। देखिए जरा, कॉसिक 31 डिग्री, इसको लिख सकते हैं आप सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, sec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री cosec 31 डिग्री हो जाएगा, नहीं सॉरी 31 डिग्री, sec 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो sec 90 माइनस थीटा क्या आएगा cosec थीटा, ऐसे लिख लिया। इसको अब ऐसा ही रूप बनाना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका, फिर मैं बताऊं आपको, cosec 31 डिग्री को हम जैसे हमने साइन को ही तोड़ दिया था ना, वैसे ही तोड़ दें तो क्या बनेगा, यहां लिखता हूं कॉसिक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। देखिए जरा, इसमें और इसमें कौन सा बेहतर है लिखना, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कॉसिक 90 माइनस थीटा हो गया तो सेक थीटा बन जाएगा सेक 59 डिग्री, और माइनस में सेक 59 है कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब आगे हम सारे क्वेश्चन लगातार करेंगे, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत क्लियरली दो दो तीन तीन तरह के फॉर्मूले से बता दिए हैं, आगे हम फास्ट चलेंगे थोड़े, ठीक है। ये लिखेंगे कॉसिक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो 90 में से 59 गए थे, 31 बच गई हूँ कहीं, माइनस ये एज इट इज रहेगा सेक 59 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कट जाएंगे प्लस माइनस के आपस में, क्या आएगा जीरो इज आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, शो दैट, सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड करें, फर्स्ट करते हैं, चलो पहले 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1, 48, 23, 42 एंड ये, इस सारे को एक के बराबर लेकर ये हमारा LHS हो जाए, लिख देंगे LHS ये। अब देखिए 48 एंड 42 कितने हो गए, 90 हो गए, 23 एंड 67 90 हो गए, मींस इन दोनों का पेयरिंग बनेगी, इन दोनों की पेयरिंग बनेगी और ये आपस में कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में कटेंगे कब, तब ये जब ये ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है ना, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम आ जाएंगे तो कट जाएंगे, क्लियर। कैसे 1048 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री,
42 इंटू देखो टेन 48 को लिख दिया, टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्यों? क्योंकि इन दोनों की पेयरिंग बनेगी, क्या बनेगी, टेन का बन जाएगा कोट 42 और टेन 42 इधर है ही, तो कोट 42 क्या हो जाएगा 1/10, तो नीचे 10 आ गया ऊपर 10, ये होगा न्यूमरेटर में कट जाएंगे, ऐसे ही इसको टेन 23 को लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्या बन जाएगा टेन 23 90 में से 67 गए 23, ये दोनों यू के यू, टेन 42 टेन 67 साथ रहेंगे, इनटू में यहाँ लिखता हूँ टेन 42 डिग्री इनटू टेन 76 डिग्री विल बी इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या 42 डिग्री इनटू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा फिर से कॉट थीटा, कॉट 67 डिग्री इनटू सेम टेन 42 डिग्री इनटू टेन 67 डिग्री, कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, थीटा क्या 42 डिग्री है लिख लिया इनटू ये भी कॉट थीटा, इसको 10 बढ़ाएंगे 1/10 67 डिग्री इनटू ये एज इट इज टेन 42 डिग्री इनटू टेन 67 डिग्री, देखिए न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में कट गया 1 टाइम्स, ये भी कट गया आपस में 1 टाइम्स, ठीक है 1 बार पे क्या बच गया 1/1 दैट इज 1, 1 इज द आंसर, बहुत सिंपल, इस तरह से आपने फॉर्मूले प्रयोग करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है चेक इट प्लीज। यस क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क के लिए, आप कीजिए काफी इजी कर लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल 990 डिग्री से छोटा, ये क्वेश्चन को ठीक करने के लिए परफेक्ट करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, इस पर ज्यादा ये नहीं सोचना भी उन्होंने क्या लिख दिया है, ये सारी बातें जो लिखते हैं कंडीशंस जो मैंने पहले बताया था, ये सारी कंडीशंस क्वेश्चन को परफेक्ट बनाने के लिए लिखी जाती हैं। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे वही फॉर्मूले जो हमने बताए थे, tan 2a, tan 2a को आप लिख सकते हो देखिए 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 2a आए, ये तो हमारे पास है नहीं जो हमने अब तक दो क्वेश्चन में किया था, तो क्या करेंगे 90 डिग्री में से 2a को माइनस ही कर देंगे, इसी 2a को, जब इस 2a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 की जगह क्या आ जाएगा cot, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है ऐसे क्वेश्चंस में ये फार्मूला लगेगा, क्या होगा देयरफॉर ये LHS है हमारा, नहीं LHS क्या है सीधा सा है, cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a को लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या लिखा 2a, तो cot 90 माइनस 2a क्या आया tan 2a, क्लियर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये सीधा इंप्लाई दैट का निशान लगाओ या लिख दीजिए कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों में से कोई सा एक काम कर दो बराबर है, cot से cot कैंसिल, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a को एक साइड में कर लो और विदाउट a एक तरफ कर लीजिए, माइनस 2a ये a आएगा माइनस का a हो जाएगा इक्वल टू का साइन, ये माइनस 18 डिग्री हैं, ये 90 प्लस के हैं इधर जाएंगे माइनस के 90 डिग्री हो जाएंगे, देन माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे माइनस 3a इज इक्वल टू इन सभी को ऐड कर देंगे माइनस के हो जाएंगे 108, माइनस से माइनस कैंसिल्ड, नाउ a will be equal to 108 upon 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए 3 जा 9 एंड 3 6 जा a equal to 36 डिग्री, दिस इज द आंसर, ओके ऐसे करना है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, लगभग एक क्वेश्चन 8.3 में से आ जाता है, इफ 10a is equal to cot b then prove that a plus b is equal to 90 degree, we have to prove that a plus b is equal to 90 degree, ye prove karna hai, tan a equal to cot b diya hua hai, to isme bhi aise formula lagana hai, tan a par laga dijiye ya cot b par laga dijiye, humne ab tak lagbhag LHS pe hi lagate aaye hain,
चलो अब अर्थ साइड में, इस साइड में लगा के देखते हैं, टेन ए इक्वल टू कॉट व्यू क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या लिखेंगे बी, तो क्या आ जाएगा कॉट भी आ जाएगा नहीं इधर से, क्लियर। कंपेयरिंग बोथ साइड्स दैट इंप्लाई दैट ए इक्वल टू टेन से टेन कट गया ना 90 डिग्री प्लस बी, बी को इधर ले आइए, ये माइनस के 90 डिग्री माइनस बी इधर ले आएंगे तो ए प्लस का बी हो जाएगा इक्वल टू क्या बचा 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही है प्रूव कराया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टू मार्क्स वन मार्क्स में आते हैं, चेक इट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ सेक फॉर ए, फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ सेक फॉर ए इज इक्वल टू कोशेक ए माइनस 20, कोशेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है, देन वेयर फॉर ए इज एन एक्यूट एंगल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर ए इज एन एक्यूट एंगल, वही बात परफेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है, यहां तक का इक्वेशन इसमें ए निकालना हमने, ठीक है। सेक फॉर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक और कोशिक में रिलेशन बताया था, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोशिक थीटा, लिख दीजिए इसको, देयर फॉर कोशिक 90 डिग्री माइनस फॉर ए क्या आ जाएगा sec a, क्लियर, इक्वल टू सेम cosec a माइनस 20 डिग्री, कंपेयरिंग बोथ साइड्स दैट इज इंप्लाइज दैट cosec से cosec कैंसिल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a को एक तरफ विदाउट a को एक तरफ, तो माइनस 4a माइनस के a हो जाएंगे, इधर माइनस 20 है 90 जाएगा माइनस के 90 हो जाएंगे, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल, देन a विल बी इक्वल टू 110.5, 5 से काट दें, 5 टू जा 22 डिग्री द आंसर, ओके, इस तरह से क्वेश्चन होगा, चेक इट। यस, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ही सेज इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल abc then show that this equal to this, we have to prove that sine of b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, कब, जब a b c तीनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इंटीरियर में अंतः कोणों का जोड़, ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंगल्स कौन से बताए इसने, ए बी सी, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी तीन एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर। अब हमें लेकर के आना बी प्लस सी अपॉन टू ए अपॉन टू, ऐसा कुछ लेकर के आना, यहीं से आएगा, उसके बाद में हम ऑपरेट करेंगे साइन कोस एक्सेट्रा, ध्यान दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ भी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, ठीक है, इंप्लाई दैट लगा सीधा पता लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तक दो से भाग दे दिया, ये पलटा ये पलट, दोनों पलट भारी बराबर रहेंगे, क्लियर। अब b प्लस सी अलग करना है, a अपॉन टू अलग, तो देखिए बीच में ये प्लस है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सारे टू, तो टू इन सभी के अपॉन इसके भी इसके भी इसके भी, तो हम इनको अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, इनको अलग अलग से बनाएंगे, तो ये आएगा a अपॉन टू प्लस बी प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। ये आने के बाद में a प्लस टू को उधर ले जाओ, क्योंकि b प्लस सी अपॉन टू हमें एक तरफ लेकर आना, इसको यहीं रहने देंगे, b प्लस सी अपॉन टू एक साइड में रहेगा, 90 डिग्री के ये प्लस वाले माइनस में आ जाएंगे, a अपॉन टू, यहां तक का हो गया,
तो a अपॉन टू भी हो गया इधर और b प्लस सी अपॉन टू इधर हो गया है। अब रही बात साइन कोस एक्सेट्रा ये रेशियो लेकर के आने की, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स वी गेट साइन b प्लस सी अपॉन टू, इसका साइन ले लिया, और साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू, इसका साइन ले लिया। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, साइन b प्लस सी अपॉन टू हो गया इक्वल टू ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है a बटे टू, दैट इज कॉस a अपॉन टू, हेंस प्रूव्ड, ये पूछता था, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, चेक इट प्लीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इनको रिप्रेजेंट करना है, किनको 67 एंड 75 को, जब इनको हम 0 से 45 तक लेकर के आएंगे तब 90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा 0 से 45 के बीच में बचेंगे, क्योंकि 90 में से इसको माइनस करेंगे 15 बचेगा जो कि इनके बीच में ही है, इसको माइनस करेंगे वो भी 23 बचेगा इनके बीच में, क्लियर। तो कैसे करें, साइन 67 डिग्री हमने बताया था थोड़ी सी देर के लिए, जो पहले एक दो क्वेश्चन किए थे उन पर दिमाग लेके जाओ, 90 डिग्री में से अगर 67 डिग्री को माइनस करते हैं तो ये बचता है 23 डिग्री। अब हमें पता है यहाँ पर साइन का लेकर आना है, तो अगर कोस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री हो तो उसको क्या लिखेंगे, साइन 23 डिग्री, और यदि साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री हो तो इसको क्या लिखेंगे, कोस 23 डिग्री। ठीक है, लेकिन इससे हमने एक बात और बताई थी जब क्वेश्चन सोल्व किए फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि साइन 90 डिग्री माइनस 23 को लिख सकते हैं कि साइन 67 डिग्री, दैट इज साइन 67 डिग्री के स्थान पर साइन 90 डिग्री माइनस 23 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का एक फॉर्मूला था, कॉस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री साइन 23 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा ही होगा, लेकिन जो साइन 67 है इसको हमने मिनिमाइज करना है डिग्री को, 0 से 45 तक लेकर के आना है, तो ऐसे केस में इस 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, क्लियर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये फिर मैंने इसलिए बताया है कि कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, आ गया वही, आगे बाद में एक्सपेंड करेंगे वो अलग बात है, प्लस इसी प्रकार से इसको कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 जाएगा 75 बचेगा, क्लियर। अब इन पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहले हमने क्या किया, इस एंगल को हमने 0 से 45 के बीच में ला करके लिख दिया, यहाँ पर 90 में से माइनस करके तक यही बचता हो, और यहाँ पर ये 90 से 0 से 45 के बीच में भी आ जाए, साइन कोस एज इट इज रेशियो थे एज इट इज रखे। अब यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा क्या है 23, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। अब देखिए थीटा 23 डिग्री 15 डिग्री 0 से 45 के बीच में है, हेंस इट इज द आंसर। केवल दो ही लाइन का तीन लाइन का सवाल था ही, लेकिन बस इतना ही ध्यान देना सिंपलीफाई कैसे करना है, इसको देख करके हवा नहीं मानना है कि ऐसे क्वेश्चन आए कि 0 से 45 के बीच में एंगल्स को लेकर के आइए, तो ऐसी स्थिति में जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जो भी रेशियो दिए हुए हैं यहाँ पर वो एज इट इज रख लेंगे फर्स्ट स्टेप में,
केवल ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को 90 में से क्या घटाएं कि यही एंगल्स आए, तो 90 में से 23 घटाया तो ये एंगल आया, 90 में से ये 15 घटाया तो भी यही एंगल आया, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में जो फॉर्मूले हमने बताए थे उन फॉर्मूले के आधार पर इन दोनों को या जो दो तीन जितने टर्म्स हैं उनको उनके आधार पर चलाएंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपने 8 पॉइंट ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आगे की एक्सरसाइज लेकर के जल्द हाजिर होंगे, तब तक जिन्होंने MR मैथमेटिक्स को MR मैथमेटिक्स चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें इसका, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करो और मैक्सिमम शेयर करो, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो बच्चे घर पर बैठ करके किसी अन्य साधन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास गरीबी है या और कोई कारण रहा है, वो कम से कम MR मैथमेटिक चैनल की सहायता से अपने घर बैठ करके मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। और यही हमारा पूरा प्रयास है MR मैथमेटिक्स ग्रुप का, कि हर बच्चे तक, हर उस बच्चे तक ये वीडियोस पहुँचें जो मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये शेयर करना एक तरह से देशभक्ति ही लगाइए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उन सभी बच्चों तक, उन सभी स्टूडेंट्स तक यदि आप इन वीडियोस को पहुंचाते हो तो आप भी इस देशभक्ति कार्य में बहुत बड़ा एक योगदान दोगे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। टिल देन थैंक यू।